भूषण जी, आज जो यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित हुआ है हिमाचल का पहला, तो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को बधाई देता हूँ, सारे सोलन वासियों को, सारे इलाका वासियों को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि यहाँ डांगरी गौशाला में खाटू श्याम का जो मंदिर बना है, ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ कि आप यहाँ इस मंदिर में आओ और दर्शन करो, दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनो। आज जो है ये सुबह 9:30 बजे 23 तारीख को खाटू श्याम जी, हनुमान जी, शिव जी का परिवार, काली माता आदि का जो है मंदिर बना है, इनकी स्थापना आज की गई है। इस मौके पर भजन कीर्तन हो रहा है, जिन्हें श्री श्याम कोहली जी चंडीगढ़ से आए हुए हैं, वो गुणगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और आप सभी आप आओ और जो है इसमें शामिल हो और भंडारा ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करके उनके भागी बनो। इस गौशाला की स्थापना 2008 में हुई थी। हमारी गौशाला में 110 से 115 गौ धने हैं, गौ माताएं हैं, और हमारा शुरू से स्वप्न रहा है कि यहाँ कोई भव्य मंदिर बनना चाहिए, और इस दिशा में हम शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं। आज हमारी इच्छा भगवान ने पूर्ण की है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हेमंत सानी, आज मंदिर यहाँ का शुभारंभ हुआ है और हिमाचल का पहला मंदिर है, पहले तो स्थान बताएं कहाँ है, अगर कोई आना चाहे मोबाइल नंबर भी शेयर जरूर कीजिएगा, और ये बताइएगा कैसी अनुभूति हो रही है आज? ये चंबा घाट से 7 किलोमीटर है, डांगरी जो गांव है वहाँ पे है डांगरी, इसको हम डांगरी धाम बोल रहे हैं हम। और ये हमने जो है गुगा घाट से, बसाल से आगे गुगा घाट आता है, वहाँ से निशान लगवाए हुए हैं रास्ते में, उससे मुड़ जाता है रास्ता नीचे को, 1.5 किलोमीटर है गुगा घाट से नीचे को। और आज सुबह जो है 9:21 पे खाटू श्याम जी की और काली भद्रकाली की, श्याम क्या नाम भोलेनाथ जी की और भैरव जी की, हनुमान जी की, इन मूर्तियों की स्थापना की गई। और उसके बाद आपका 12 बजे जो है अपने संजय कोहली जी जो चंडीगढ़ से आए हुए हैं उनके द्वारा गुणगान किया जा रहा है इस टाइम, और 3:30 बजे शाम रसोई चलेगी जो शाम को 8-9 बजे तक चलेगी। और जो भी इस टाइम मेरे भाई देख रहे हो सोलन में, वो आए यहाँ पे और बाबा के दर्शन करें। और यहाँ पे हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे गौशाला में, और यहाँ जो 112 गौ हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो भी यहाँ पे आएगा उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। और ये एकांत में है, जो मंदिर होते हैं वो एकांत में बनाए जाते हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से ये खाटू श्याम जी का मंदिर बनाया गया, और आप देख रही हैं कि लोगों का कितना यहाँ पे सैलाब आया हुआ है इस टाइम। हेमंत जी, मोबाइल नंबर जरूर शेयर कीजिएगा कोई आना चाहे, कोई यहाँ 98-160-24-183 मेरा नंबर है जी, हैं बाकी हमने जो बैनर है आपको दिखाएंगे उसमें सबके नंबर लिखे हुए हैं, और कोई भी आना हो किसी प्रकार का भी कोई कार्य हो तो बताएं।